दोस्तों, हमारे देश में लिंग का पता करना कानूनन जुर्म है, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए हमारी देश की गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। वहीं अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहां पर अगर माँ बाप चाहें तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि उनके पेट में लड़का है या लड़की, और डॉक्टर उनको ये बता भी देते हैं। आज हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार पेट में लड़का और लड़की की उत्पत्ति कैसे शुरू होती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर कोशिकाओं के अंदर दो एक्स क्रोमोजोम होंगे तो लड़की, और अगर एक एक्स और एक वाई हुआ तो लड़का। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है। लिंग निर्धारण के लिए और भी बहुत कुछ अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हमारे जीन्स और हार्मोन। हमारे हार्मोन्स पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पेट में जब एक भ्रूण बनता है और उसकी उम्र 6 और 7 हफ्ते के ऊपर हो जाती है, इसके बाद उसका लिंग निर्धारण शुरू होता है। भ्रूण का विकास लड़के के रूप में तब शुरू होता है जब टेस्टिस यानी वीर्य कोष का विकास शुरू होता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। लड़के के विकास के लिए ये हार्मोन बहुत ही जरूरी है। इस हार्मोन के अलावा और भी कुछ कारण होते हैं जिनसे नर अंगों जैसे कि वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल का विकास होता है। इसके साथ ही लिंग का विकास होता है। भ्रूण का लड़की के रूप में विकास तब शुरू होता है जब ओवरीज यानी कि अंडाशय का विकास होता है। यहाँ से स्ट्रैडियोल नामक हार्मोन का रिसाव होता है। लड़कों के शारीरिक विकास में जो रोल टेस्टोस्टेरोन की होती है, वही रोल लड़कियों में स्ट्रैडियोल हार्मोन काम करता है। उसी हार्मोन के चलते फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि का विकास होता है। लड़के और लड़की के भ्रूण की तुलना में पता चलता है कि शुरुआत में दोनों की अंदरूनी संरचना एक जैसी ही होती है, यानी कि भ्रूण के जननांगों का विकास किसी के रूप में भी हो सकता है। इसके बाद में जीन्स और हार्मोन तय करते हैं कि गर्भ में पलने वाला भ्रूण लड़का होगा या लड़की, परंतु कई बार विकास के कार्य में गड़बड़ी भी हो जाती है, जैसे कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। भ्रूण के इंटरसेक्स बनने का ये सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे कि लड़कों के विकास में चलता है। एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम, टेस्टिस का विकास और टेस्टोस्टेरोन का रिसाव। लेकिन जननांगों में कुछ ऐसी खराबी होती है कि वो इस हार्मोन के संदेश को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे में स्ट्रैडियोल हार्मोन ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। नतीजा ये होता है कि एक्स वाई क्रोमोजोम होने के बावजूद भी भ्रूण का विकास लड़की के रूप में होना शुरू हो जाता है। इसे तीसरा लिंग यानी कि इंटरसेक्स कहा जाता है। इस तरीके से भ्रूण का विकास लड़के और लड़की के रूप में होता है। अगर हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भ्रूण का विकास तीसरे लिंग के रूप में हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।